परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। न्यूनता की वासनी एक गवाही आई है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ऊपर आ जाइए प्रेज गॉड। सब बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। असली परमेश्वर ने महिमा से देखा है। प्रेज वासनी एक गवाही आई है इस बच्चे की। असली सारे जने इन्हें जानते हैं। नाम चरणजीत सिंह है और ये बच्चा इसके दिमाग के बीच पथरी सी। हालेलुया हालेलुया। और ये इसकी पुरानी रिपोर्ट है जो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि इस बच्चे ने 50% चांसेस है ऑपरेशन होने के बाद। लेकिन इन्होंने 7 तारीख की बंदगी के बाद अपना स्कैन कराया। 7 तारीख की बंदगी के बाद जो डॉक्टर ने दिखाया वो पथरी गायब हो गई। जब हमारे फादर और जब हमारी मॉम इस बच्चे के घर में गए तो ये खुद उठ भी नहीं सकता था। मंजी के ऊपर लेटा हुआ था, बेड के ऊपर लेटा था, ये खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था। और मेरे फादर ने, मेरी मम्मी ने इनका हाथ पकड़कर इसे बेड के ऊपर से उठाया था। इस बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर बोल रहे थे इसका बचाव नहीं हो सकता है और इसके दिमाग में हमेशा दर्द होता रहता था। 7 तारीख की जो हीलिंग मीटिंग, हीलिंग क्रूसर यहां पर किया गया, उस हीलिंग क्रूसर में ये इसकी रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट में ये है कि इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। लेकिन उस क्रूसर के बाद जो प्रार्थना की गई उसके बाद की जो रिपोर्ट, ऊपर वाली रिपोर्ट, उसमें आया है कि इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये बच्चा खुद अपने मुंह से बताएगा। थैंक यू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दिमाग जो प्रॉब्लम थी कई साल की हो ठीक है जी, नॉर्मल आ गई। परमेश्वर इस चर्च के बीच काम कर रहे हैं। सारे बोलेंगे दूसरी गवाही आई है। ये बच्चा जसप्रीत है और इस बच्चे को इतनी ज्यादा एलर्जी सी। अपने मुंह तो दसो। बहुत ज्यादा एलर्जी थी। मेरे ना रोटी भी नहीं खाती थी। मेरी पूरी जो अंदर वाला सिस्टम से पक चुका सी। तो जो इस बच्चे की प्रार्थना की गई, अज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट करी कैंसर है नहीं है। प्रार्थना कर दो कि जो अगली बारी उस समस्या का स्कैन करा के आन तो प्रभु वह भी दूर कर दो। समस्या की इनके पेट के छोटिया दसौलियां ने असं चाहते हाँ भी जोड़ा यसू ला इलाज बीमारी कैंसर वर्गी बीमारी दूर कर सकता। रसौलियाँ तो कुछ भी नहीं, ठुड मारो चल रहा है। एलियन नबी की गोदड़ी मैं कटनी पैनी है। सारे बोलेंगे सिस्टर जी जो नैक्सट संडे आएंगे मैं विश्वास करता हाँ कि स्कैन में कुछ नहीं आएगा। विश्वास करो सिस्टर जी, अपनी अखा बंद करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह दे अगे अपने दिल को खोल लवो। प्रभु यीशु मसीह तुहानू छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुहाडे जिस्म दे विच, शरीर दे विच प्रवेश कर रहा है। थोड़िया रसोलियां परमेश्वर का आत्मा तुहाडे जिस्म च दूर कर रहा है।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਐ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਯੂ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਛੱਡ 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 ਛੋੜ ਇਸ ਜਿਸਮ ਕੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਝੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸਕੀ 20,000 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੇ ਥੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋਬ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਜੋਬ ਛੋੜ ਦੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦੀ? ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20,000 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ 50,000 ਵਾਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਯੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। 20,000 ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 50,000 ਵਾਲੀ ਔਰ 1,00,000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸਮੇ 450 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਏ ਥੀ ਔਰ ਯੇ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਗਿਰ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਔਰ ਕੌਨ ਸਾ ਸਾਲ ਬਤਾਇਆ, 2006 ਮੇ ਯੇ ਐਮਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਮੇ ਜਬ ਯੇ ਆਏ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ, ਬੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਇਨਕੇ ਘਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਥੀ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮੇ ਮੁਫਤ ਮੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨੋਂ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਉਸ 2,000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੇ ਭਰੇ ਮਨੁਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਆ, ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਿਸੂ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਹੋਣੀ ਥੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਬਰਕਤੋਂ ਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਆਤਮਾ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੈਸੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੋਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ
एक और गवाही आई है और मैं चाहता हूँ कि बच्ची अपने मुंह से गवाही दे। पिछले हफ्ते मुझे एक फोन आया कि पास्टर जी मेरी वाइफ की जमानत नहीं हो रही, उसकी पत्नी जेल में थी, उसकी पत्नी जेल में थी और उसने कहा कि मेरी पत्नी की जमानत नहीं हो रही है, इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ब्रदर आप कोर्ट में जाओ। वो कोर्ट में गया, मैंने प्रार्थना करके उसको कोर्ट में भेजा। एक घंटे बाद उसका फोन आया, मेरी पत्नी की जमानत हो चुकी है। काफी देर से हो नहीं रही थी, लेकिन मेरे बहनों भाइयों विश्वास रखें, ये ना सोचे मैं मर रहा हूं, मरने दो, अगर तुम मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन मौत आने से एक सेकंड पहले मेरा यीशु आ जाएगा और वो आपको जरूर बचाएगा। सभी बोले हालेलुया। असली इस बच्चे की गवाही है, सारे ध्यान ना सुना के तुसी सारे जने जानते हो कि जिहड़ी बेटी हुणे गवाही दे गई है वो इसकी भैन है और ये बच्चे की यह गवाही है कि ये इस बच्चे ने दुनिया का ऐसा कोई नशा नहीं जिहड़ा ना कीता होवे। ये ड्रग दे विच चला गया सी, ये कह रहा कि मेरे तो अपनी गवाही देनी होनी, पास्टर जी तुसी मेरी गवाही दे दो। ये ड्रग दे विच चला गया सी और इन्ने ज़्यादा नशे करता सी, लेकिन जदों ये भवन दे विच आया और पवित्र आत्मा की शक्ति ने इन्नू भी छू लिया। हालेलुया। और इस बच्चे नू प्रभु ने नशियां तो आजादी पूरी तरह दी और कल इन्हें बपतिस्मा भी पा लिया है। हालेलुया। कल इस बच्चे का पाक पानी का बपतिस्मा होया और मेरा विश्वास है हुण प्रभु इन्हू इन्ने जोर का आत्मा दिता है और परमेश्वर ने इस बच्चे नू चुन लिया और ये इन्हू अपने कामों के प्रभु यूज भी करने लग गया है। हालेलुया। और इसी परमेश्वर का धन्यवाद जी गवाही देना चाहते हैं। Praise God, hallelujah, praise God. Sade mummy badal nu jansi di kyunki eh jansi umar ch jinne marzi bitte hue eh sare guru ne eh sare maa baap ne. Amen, amen, hallelujah. Assi kehne sanu kise hal ch vi rakhna, assi na aadar mehman karde rehna chahiye. Guru anek seva anek guru hai. उस तो बाद सत्री को जी बदली हुई सी, मेरा पासा सारा रुक चुका सी, मैं कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, मैं अपने परमेश्वर से आस रखी भी परमेश्वर इन्निया मैं बीमारियां अगर गई हूँ भी तू ही मैं बचाएगा। जो 7 तरीक को मेरे बंदगी हुई तो मेरे से दुआ प्रार्थना आ गया, बिल्कुल मेरा पासा उद तो नहीं दुख। पिछले दिनों इस पैन नू गठिए दी प्रॉब्लम हो गई सी और पिछले हफ्ते की गल इस भैन की आवाज़ भी चली गई सी, इस भैन का गला बंद हो गया सी, पूरी इन्फेक्शन जी फैल चुकी सी, लेकिन जो फादर साहब उन्होंने पास्टर जी उन्होंने प्रार्थना की और इस भैन के 10 दुष्ट आत्मावान निकलियाँ, 10 दुष्ट आत्मावान निकलने बाद अच भैन जी बिल्कुल आजाद नहीं हाल रही है। पिछले शनिवार तो रोटी कुछ नहीं सी खाती, जब मैं पानी भी पीती सी तो मेरा गले के विच इतना ज़्यादा दर्द होता सी ना, इतनी तकलीफ होती सी भी मैं इतना लगता सी मैं कदे ठीक नहीं हो सकती, कदे भी मैं रोटी नहीं खा सकती, मैं इतना रोती सी ना, बहुत ज़्यादा रोती सी अंदर बैठ के, पर रात की प्रार्थना के विच ना जा के रात जब मैं रोटी खाती मैं 3 रोटियां खाती मैं कोई ठीक नहीं हो रही।
अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से इस बहन को मैं आजाद कर देता हूँ। बीमारी को यीशु के नाम से उठा लेता हूँ। तू चंगा करने वाला परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और उस बहन को आजाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। इस बात का ये सबूत है कि तू आज भी जिंदा है, तू आज भी काम करने के योग्य है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन यहाँ पर, जितने बहन भाई यहाँ पर हैं, इन सब के विश्वास को मजबूत कर, अपने कलाम में, अपने वचन में इनको मजबूत कर, कभी तुझसे दूर ना हो, तेरी पनाह में रहे मेरे परमेश्वर, तेरे फजल में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरा नाम आकाश है, असी मैं बामण परिवार तों बिलोंग करदा, कट्टड़ हिंदू जिन्हों आप कह सकते हैं। असी पिछले 20 सालों तो हाँ, तो मेरा पिंड जौने वाल पिंड है मेरा, तो मैं अपने मेरे जीवन के साडे पूरी फैमिली के रब ने मतलब कि रोंगटे खड़े करने वाले काम करे। मैं हर एक गवाही शॉर्टली दसना चाहवागा, कली कली सारे तो फस्ट जी सा गवाही है, जितों साड़ी इनिशियल हुई है, शुरुआत हुई है साड़ी फैमिली की, असं रब के आए हैं। मेरी मम्मा बहुत बीमार होंगे सके, मतलब घट्टो घट कल जिम्मे पास जी ने दसिया भी 20 साल मतलब कि मम्मी इन्ना बीमार रहे, इन्ना तो ज़्यादा बीमार रही, असं उधरले इलाके का बेट इलाके का कोई बाबा नहीं छड़िया, इतने तक कि राहों तो पार एक मसीह सी उत्थे बाबे कहता मैं गरंटी लैंना भी कुड़ी ठीक हो जूगी, पर इनू सवा महीना तो मसीह च रखना, सवा महीना मसीह च रखे। पापा कहते भी उस टाइम सूझ बंद सी, ठीक है कहते जो कहे वह करा, बाबा जी कहते भी पुजारी लगे करूगी एक दिन की, एक मुर्गी तो एक रम की बोतल। सवा महीना पापा ने यह काम कर, उस टाइम सूझ बंद सी बिकॉज सानू मतलब सी भी हाँ मम्मा ठीक हो जाए भी जो मर्जी हो जाए। पापा मेरे सिलाई मशीन रिपेयर करते मतलब कि मेरे लिए कैसे सिलाई मशीन रिपेयर करते, दिहाड़ी का 200-300 हार्डली बन जाता, तो जिन्ना कि भी बनना पापा ने उधर उन्होंने पापा जी जाके दे देना। तो असं जे अपने दादी दादी जी होने रहते थे, तो फिर क्या होया उन्हें सवा महीने का कोर्स पूरा होया, जिते असं घर आए मामा नूं लैके, वो पापा कहता भी हुण बिल्कुल ठीक है, पर घर आके फिर उही प्रॉब्लम शुरू हो गई। पापा ने फोन करिया भी कहते भी बाबा जी फिर उही काम शुरू हो गया, कहते भगत मैं तेनों दस्या सी भी पानी नहीं टपाना, तू तो दरिया तो पार लै गया, बहाना देखो कि लगे भी कहते पानी नहीं टपाना तू तो दरिया तो पार लै गया, हमने फिर इतने होना। फिर मेरे मास्टर जी ने दसिया भी एक राह है होर जिते तुम ट्राई कर सकते हैं, मास्टर जी कहते भी मैं तेनों गरंटी देना भी उतने तेनों नजात जरूर मिलेगी। फिर पापा ने दादा जी ने गल करी, मेरे साडा अपना घर का मंदिर सीगा, तो दादा जी कहते भी मेरे पहले पापा तो मने नहीं, कहते भी साडा घर का मंदिर असं पुजारी दें करते हैं वो करते हैं जिन्हें भी तुम्हें पता बाउंड काम करते हैं सारा कुछ करते असं, पर सानू फायदा नहीं। पापा कहते भी कोई ना तुम तीन भरा हो, दो भरा आह काम करी जाएंगे भी तू मेरी नौ ठीक होनी चाहिए जितने मर्जी चल जाओ। फिर फस्ट संडे गए थे, पहला संडे जाने तो बाद अगले संडे मेरी मम्मा ने चर्च में गवाही दी बिल्कुल ठीक से। उस बाद मेरे सिस्टर के दिल के सुराग से 2004 की गल, CMC ने 4.5 लाख का खर्चा दसिया, मेरे वे सिस्टर असं 5 भैन भरा हैं, मैं सब तो छोटा हूँ, उन्होंने दिल से सुराग सेगा, वह कहते भी 4.5 लाख रुपया लगो। उस टाइम पापा कहते भी नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इन्ने पैसे भी नहीं, रब्बा तेरे हाथ आ, तो उन्होंने दुतले से जुबान तो। जब प्रार्थना करवाई चर्च के दिल का सुराग प्लस जुबान का दुतलापन ठीक हो गया। अज की भी टीचर असी सारे इस बच्चे को जानते, सा यूथ यूथ का बच्चा है और रात ज़्यादा काफ़ी दिनों तो बीमार सी, लेकिन प्रॉब्लम का पता नहीं सी लगता, और कल रात की प्रार्थना के परमेश्वर ने भेद खोल दिते कि इस बच्चे को किसी ने कुछ खिला दिता सी,
इस बच्चे नूं किसे ने जादू टोना करके कुछ खिला दिता सी और मेरा विश्वास आ तुसी किस तरह हुण महसूस कर रहे प्रभु अज तू अपना रास्ता दिखा मैं फिर बाद चो इतने प्रेयर के आके फिर जो पेट खुलिया फिर उस बाद मैं बहुत ज्यादा चंगा धन्यवाद करते हैं इन्होंने गवाइया के लिए मेरी माता मेरी फेवरेट है सो बीबी हुई सिख परिवार तो बिलोंग करते हैं जटा की फैमिली चो ने कहते कि बड़े जुबान के बड़े कैड़े होंगे ने हाँ जी लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन्होंने बड़े नरम बनाया एवं सो अपनी गवाही दे गए जट परिवार पिंड रहनी है पिंड श्री संगत सारी जानती है नवे नहीं जानते भी जब संगत बच्चे आ जाती प्रभु के दर बच्चे स्टेज के को मत्था टेक जानी है हाथ पैर सही सलामत हो जाए सारे जानते हैं कि बीबी चमड़ी की बीमारी सी इन्हों हाथ पैर दिन के ठीक रहते सन लेकिन जिस तरह ही सॉरी रात को ठीक रहते सन जिस तरह ही दिन चढ़ता सी दिन चढ़ते इन्हों के हाथ पैर गलने शुरू हो जाते सन परमेश्वर ने इन्हों इस बीमारी तो आजाद किया है और असी प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि अज भी परमेश्वर इन्हों के परिवार से बड़ी जोरावर तरीके काम कर रहे और अज जी इन्हों की रहती कमजोरी है असं वो भी प्रार्थना करते सर्व शक्तिमान से परमेश्वर अपनी सलाही पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं इस माता पिता से प्रार्थना करना थोड़ा पवित्र आत्मा इस माता की जिंदगी के काम करे सारी शैतानी समर्थ सारी दुष्ट आत्मा की शक्ति इसी समय इस माता सारे भैन भाई मेरे वालों जय मसीह जी मैं जी पिछले महीने एक हफ्ता लगातार बीमार से जी दवाई दवुई मैं कोई नहीं ली मैं क्या चलो रब ठीक करूँगा जी तो जी 28 तरीक को बंदगी हुई ना दुखी बीमारा की वो मैं खड़ा होया जी तुम सारे ने हाथ रखा मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया जी तकलीफ होंगी जी डॉक्टर को टेस्ट करवाए डॉक्टर कहते मेरे हाथ च सौली आ फिर मैं अपने घरदे को कहा मैं प्रेशर नहीं करवाना मैंने प्रभु से विश्वास है मुझे चंगा करूंगा सानू जी 6 महीने ना 6 हफ्ते हो गए जी इतने आदि और मेरे हाथ से सौली गायब हो गई जी अपने को बहुत घट है गवाइयां बहुत ज्यादा है वर्शिप द लॉर्ड वर्शिप द लॉर्ड वर्शिप द लॉर्ड हालेलुया सारे पैडमैन टाइम से दी थोनू पता ही असं 2009 इतने चर्च में आना शुरू किया साढ़े तो पहला बहुत ही जिंदगी बहुत ही सैड सी क्यों असं 5 साल सरपंच भी की सरपंच ही की सू लोग कह रहे थोड़े बच्चे ठीक नहीं हो रहे मेरे बच्चे इन्ने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे मिले साढ़े घर के बहुत ही सारी लड़ाई झगड़ा होंगे जोड़ा वो बंद हो गया मेरा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हाँ कि मेरे बच्चे थोड़ा पता नहीं कि बीमार रहते थे ये दौरे पैदे थे असं सारे डॉक्टर ने दवाइया दतिया लिया लिया के राजस्थान भी गए थे इतना ही पूरा हाल से बच्ची का पिता परमेश्वर ने इन्हू भी चंगा किया बहुत चंगा किया मेरे बच्चे ने वापस में लिया हुआ पिता परमेश्वर ने उसकी सारी शराब भी छुड़ा दी है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इस बच्ची वास्ते प्रार्थना करेंगे सब अपने हाथ इस बच्ची की वाल वधावे किसी ने भी प्रार्थना नहीं करनी शांत हो जाएंगे सिर्फ अपने हाथ वधावे ते बच्ची कह रही है कि मैनू
धुप की रोशनी के नाल सूरज की रोशनी के नाल कुछ हो जाता और अच असी प्रार्थना करते हैं कि सूरज को भी परमेश्वर ने बनाया तो चंद्रमा को भी परमेश्वर ने बनाया जिहड़ा उन्हां चीज़ों बना सकता उन्हां तो बचा भी सकता है। हालेलुया। सो इस बच्ची को सूरज की रोशनी च कुछ ना हो अपने हाथों ने इस बच्ची के बारे बताओ। Yes, Lord, we anointed Jesus' name, Yeshu ke naam se, har maangi ko har kamzori ko Yeshu ke naam se, iske jism se dur kar dete hain, Pavitra Atma shudhe, Holy Spirit, we welcome you here, Pavitra Atma tu utraya, पवित्र आत्मा उतरा इस बच्ची के जिस्म में खाम कर, इसके जिस्म में जो बीमारी है यीशु के नाम से मैं इसी समय हुक्म करता हूं कि यह बीमारी इस बच्ची को छोड़कर इसी समय निकल जाए। प्रभु हमें विश्वास है, हम विश्वास करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। होली स्पिरिट, इस बच्ची को तेरे नाम से मैं आजाद कर देता हूं, डिलीवर हर Totally deliverance in Jesus' name, Yeshu ke naam se. Amen. आपके पवित्र आत्मा का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। असली को बनाई रख। एक और गवाही आई है। Praise God. असली सारे जने जानते हैं अंकल लक्ष्मण सिंह जी मड़ौली तो आंदे हैं, पर ये इन्हां दी नौ है, और इस बच्ची दे विच दुष्ट आत्मा सी, और सत तरीक की बंदगी दे विच परमेश्वर ने इस बच्ची को दुष्ट आत्मावां तों आजादी दिती है। हालेलुया। और अंदर जी दस रहे कि इहदे विच एक देवी सी, कुछ भूत सीगे, और परमेश्वर ने इस बच्ची को आजादी दिती और कल इस बच्ची ने बैप्टिज्म लै लिया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष दे बरकत देवे। सो In Jesus' name we pray. Yes. परमेश्वर इस बच्ची में थोड़े पवित्र तवे सौंप देना, रहती कमजोरी बीमारी परेशानी बेचारी थोड़े पवित्र नाम से इस बच्ची छड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। असी सारे ने बाइबल को पढ़िया और सुनिया, प्रभु यीशु मसीह ने चार दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, मरे हुए लाजर को जिंदा किया। अज साडे विचकार एक मुर्दा आया सी। पिछले हफ्ते असी प्रार्थना करने वास्ते गए सी, इस माता ने चार दिन ना कुछ खाता ना कुछ पीता, इन्हां दे बच्चे रो रहे सी, इन्हां दे बच्चे रो रहे सी कि साडी बीबी गई। की कहते साडी बीबी? फादर साहब उन्होंने फोन पर प्रार्थना की, माता बोलने लग गई। बिल्कुल खत्म हो चुके सी, कोई उम्मीद नहीं सी, कुछ नहीं सी, और जो फोन पर प्रार्थना की इन्होंने हालेलुया बोलिया, असी गड्डी चुकी, पास्टर जी फादर साहब मम्मी इन्हों के घर चले गए। जो घर जाके इन्हों के उपर प्रार्थना की, माता उठ के बैठ गई, तो दुध का गिलास भी पीता। सो असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अस फिर इन्होंने एक बार प्रार्थना करिए कि इन्हों की जी रगती कमजोरी आ वह भी यीशु मसीह के नाम से दूर चली जाए, पवित्र आत्मा की समर्थ इस माता की जिंदगी काम करे। पहले परमेश्वर रहती कमजोरी, रहती कमजोरी यीशु के नाम से दूर चली जाए, थोड़ा पवित्र आत्मा इन्हों की जिंदगी के लिए काम करे, सारे गले में छड़ के इस समय दूर चला जाए। पवित्र आत्मा जी थोड़ा स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब कहेंगे, सब कहेंगे, आमीन।